नमस्ते, यहाँ पर इस वीडियो के दौरान गूगल कैमरा 9.0 के साथ जीकैम 8.4 के साइड बाय साइड कंपैरिजन करने वाले हैं। क्या क्या नया फीचर्स को ऐड किया गया है, क्या क्या चेंजेस है, उसका बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना। तो यहाँ पर दोनों जीकैम का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके दोनों जीकैम को डाउनलोड कर सकते हो। एंड दोनों जीकैम का जो बिल्ड है उसको समीम करके डेवलपर की तरफ से देखने को मिलेगा। SGCAM 9.0 एंड SGCAM 8.4 का जो बिल्ड है हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया है। तो सबसे पहले पर बात कर लेते हैं UI के ऊपर जो चेंजेस है। तो कुछ इस तरह से पर UI के साथ जो है व्यू फाइंडर के ऊपर चेंजेस देखने को मिलेगा। देख सकते हो यहाँ पर जो है GCAM 9.0 के साथ जो है यहाँ पर कैमरा एंड वीडियो का जो बटन है ऐड किया गया है, जो कि GCAM 8.4 के साथ अवेलेबल नहीं है। बाय द वे, गूगल कैमरा 9.0 का जो बिल्ड है फिलहाल बीटा बिल्ड है, इसलिए कुछ कुछ डिवाइस के ऊपर ये जो जीकैम का जो बिल्ड है क्रैश कर जाएगा, ब्लैक स्क्रीन प्रॉब्लम भी शो कर सकता है। बट अभी फिलहाल जो जीकैम 8.4 का जो बिल्ड है काफी स्टेबल बिल्ड है, ऑलमोस्ट सभी डिवाइस के ऊपर काम कर जाएगा। रेडमी, रियलमी, सैमसंग, वन प्लस, ओप्पो, वीवो, आईक्यू, नथिंग, मोटोरोला, इन्फिनिक्स। तो अगर आपको स्टेबल अपडेट चाहिए, स्टेबल जीकैम चाहिए, तो आप जो सिंपली गूगल कैमरा 8.4 को ट्राई कर सकते हो। एंड अगर आपको नया UI चाहिए तो आप जीकैम 9.0 को ट्राई कर सकते हो। इवन अगर आप चाहो तो एक ही डिवाइस के ऊपर दोनों जीकैम को जो है इंस्टॉल भी कर पाओगे। एनीवे, तो देख सकते हो यहाँ पर जो ऑप्शन है ऑलमोस्ट सेम है, बट ऑप्शन को जो है रीअरेंज किया गया है। पहले नाइट साइड मोड में जाने के लिए आपको यहाँ पर कैमरा से नाइट साइड मोड में जाना पड़ता था जीकैम 8.4 के साथ। गूगल कैमरा 9.0 के सिंपली आप जो है गूगल कैमरा 9.0 के साथ फोटो से आप जो है नाइट साइड मोड में सिंपली स्वाइप करके जा सकते हो। तो अभी फिलहाल जो है नाइट साइड मोड एंड पोर्ट्रेट मोड है सभी को जो है ओपन करना और जो है ऑन करना बहुत ईजी हो गया है। स्लाइड जो है करके आप कर सकते हो, जो कि 8.4 में भी आप कर पाओगे, बट जो है कुछ इस तरह से जीकैम 9.0 को जो है वन हैंडेड फ्रेंडली ऐड किया गया है। मतलब जो है आप सिंपली वन हैंड से सभी जो फीचर्स उसे यूज कर पाओगे जीकैम 9.0 के साथ, जो कि जीकैम 8.4 में नहीं था। एनीवे, बाकी यहाँ पर देख सकते हो गूगल कैमरा 9.0 में यहाँ पर क्विक सेटिंग्स पैनल को ओपन करने के लिए ये जो आइकॉन है ऐड किया गया है यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो सेटिंग्स का जो आइकॉन है इसमें टैप करते ही क्विक सेटिंग्स पैनल जो है ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये जो आइकॉन है जीकैम 8.4 के साथ यहाँ पर गूगल कैमरा 8.9 के ऊपर यहाँ पर ऐड किया गया है। तो पहले जो आइकॉन था यहाँ पर ऊपर था, अभी फिलहाल यहाँ पर ऐड किया गया है, नीचे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एनीवे, पहले क्या होता था जीकैम 8.4 के साथ आप सिंपली स्वाइप डाउन करके जो है क्विक सेटिंग्स पैनल को ओपन कर पाते थे, बट अभी जीकैम 9.0 के साथ जो है स्वाइप डाउन करने से क्विक सेटिंग्स पैनल ओपन नहीं होगा, आपको सिंपली यहाँ पर स्वाइप अप करना होगा। स्वाइप अप करने के बाद जो है क्विक सेटिंग्स पैनल जो है ओपन हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देख सकते हो तो वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करें कुछ इस तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर स्लो मोशन, टाइम लैप्स का ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर इस ऑप्शन में टैप करके जीकैम 8.4 के साथ आप जो है वीडियो स्टेबलेशन का जो मेनू है देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप जो है लॉक, एक्टिव, सिनेमेटिक पैन का जो ऑप्शन यूज कर पाओगे। बट अभी फिलहाल गूगल कैमरा 9.0 के साथ जो है ऐसा नहीं है। गूगल कैमरा 9.0 के साथ जो कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ। देख पाओगे यहाँ पर जो वीडियो स्टेबलेशन के लिए अलग से जो मेनू था उसे यहाँ पर जो है क्विक सेटिंग्स पैनल के ऊपर ऐड किया गया है जीकैम 9.0 के साथ। यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड, लॉक एंड एक्टिव का जो ऑप्शन है देखने को मिल जाएगा। तो जीकैम 9.0 के साथ जो है वीडियो स्टेबलेशन के लिए अलग से जो मेनू था उसे यहाँ पर रिमूव करके क्विक सेटिंग्स पैनल के ऊपर ऐड कर दिया गया है। जैसे कि आपको बताया जीकैम 9.0 का जो बिल्ड है फिलहाल बीटा बिल्ड है, नया बिल्ड है, इसलिए जो है सभी जो फीचर्स यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, सिनेमेटिक पैन का जो ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, प्लस यहाँ पर स्लो मोशन का जो ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, बट यहाँ पर टाइम लैप्स का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। यहाँ पर फुल HD 4K टाइम लैप्स वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड यहाँ पर गूगल कैमरा 8.4 का जो बिल्ड है उसको एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 14, एंड्रॉयड 13, मतलब जीकैम 8.4 का जो बिल्ड है एंड्रॉयड 10 से एंड्रॉयड 14 तक वर्सन के ऊपर काम करेगा। एंड गूगल कैमरा 9.0 का जो बिल्ड है उसको एंड्रॉयड 11 से एंड्रॉयड 14 वर्सन तक काम करता है। तो यहाँ पर एंड्रॉयड 11 से जो है जीकैम 9.0 की यूज कर पाओगे, एंड्रॉयड 10 के साथ गूगल कैमरा 9.0 काम नहीं करेगा। प्लस यहाँ पर जीकैम 9.0 के साथ जो थीम आइकॉन के साथ भी एक चेंजेस देखने को मिलेगा, जो कि अवेलेबल है।
एंड कुछ इस तरह से यही सभी चेंजेस है। मेनली यहाँ पर जो है गूगल कैमरा 9.0 के साथ जो यूजर इंटरफेस है, वन हैंडेड फ्रेंडली यूजर इंटरफेस को ऐड किया गया है। आप सिंपली कुछ इस तरह से जो है जीकैम 9.0 की यूज कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। और एक चेंजेस अभी फिलहाल जो है हमने नोटिस किया है, देख सकते हो यहाँ पर जो चेंजेस है, यहाँ पर गैलरी आइकॉन देखना, गैलरी आइकॉन एंड कैमरा को स्विच करने का जो आइकॉन है इसमें भी चेंजेस देखने को मिलता है। पहले जो है जीकैम 8.4 के साथ जो है राइट साइड में गैलरी आइकॉन देखने को मिलता था, बट जीकैम 9.0 के साथ जो है यहाँ पर लेफ्ट साइड में गैलरी आइकॉन देखने को मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पर जो कैमरा को जो स्विच करने का जो आइकॉन था जीकैम 8.4 के साथ जो है लेफ्ट साइड में था, बट अभी फिलहाल राइट साइड में ऐड किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है गैलरी आइकॉन एंड यहाँ पर जो कैमरा स्विच करने का जो आइकॉन है उसे स्वैप किया गया है एंड कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। बाकी जितने भी ऑप्शन है ऑलमोस्ट सिमिलर ऑप्शन, यहाँ पर स्लाइडर का ऑप्शन कुछ इस तरह से जो जूम स्लाइडर देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर डबल टैप टू जूम का जो ऑप्शन है अवेलेबल है दोनों जीकैम के साथ एंड फोकस ट्रैकिंग का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, कोई भी इशू नहीं है। बाकी दोनों जीकैम के साथ जो है मोनेंड यूआई का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, मेटेरियल यू का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है एंड दोनों जीकैम को ट्राई कर सकते हो। अगर आप चाहो तो एक ही डिवाइस के ऊपर दोनों जीकैम को यूज कर पाओगे, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। अगर बात करें पर कस्टमाइजेशन के बारे में तो यहाँ पर दोनों जीकैम के साथ जो ऑलमोस्ट सिमिलर ऑप्शन है, सेफ लोकेशन, कैमरा, साउंड, गोल लेंस सजेशन, सोशल शेयर, गेस्चर्स, डिवाइस स्टोरेज, डू नॉट डिस्टर्ब मोड का जो ऑप्शन है जो कि जीकैम 9.0 के साथ अवेलेबल नहीं है, डेफिनेटली फ्यूचर अपडेट में अवेलेबल हो जाएगा। एडवांस सेटिंग्स के ऊपर HDR कंट्रोल, रॉ सेटिंग्स, HEVC फॉर्मेट में वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो, एनेबल टाइम लैप्स फॉर एस्ट्रो फोटोग्राफी, टाइमर लाइट का ऑप्शन है। बाकी यहाँ पर जो कैमरा टू पेज सेटिंग्स, डिवाइस इंटरफेस, ये सभी फीचर्स जो है जीकैम 9.0 के साथ भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स के ऊपर जो है यहाँ पर देख सकते हो मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, तो यहाँ पर ये सभी जो ऑप्शन है यहाँ पर भी अवेलेबल है। देख सकते हो कैमरा टू एपेज सेटिंग्स, डिवाइस इंटरफेस एंड यहाँ पर मोशन फोटोज, रॉ सेटिंग्स, अपस्केलिंग फोटो, तो यहाँ पर भी सभी ऑप्शन अवेलेबल है, मोशन फोटो, रॉ सेटिंग्स, अपस्केलिंग फोटो, यहाँ पर HDR फ्रेम, उसके बाद जो है लिप पैचर, नॉइस मॉडल, ऑटो वाइट बैलेंस, मैनुअल फोकस सेटिंग्स, एस्ट्रो नाइट मोड का ऑप्शन है एंड वीडियो सेटिंग्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। तो इस तरह से ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर बात करें फोटो क्वालिटी के बारे में तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है दोनों जीकैम के साथ जो काफ़ी हद तक सिमिलर फोटो क्लिक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर डिवाइस टू डिवाइस वीडियो करता है। यहाँ पर पोको फोन एंड रेडमी नोट 11 डिवाइस को अभी फिलहाल हमने इस जीकैम को जो है इंस्टॉल किया है एंड मेरे हिसाब से ओवरऑल को जो है सिमिलर जो है फोटो क्वालिटी देखने को मिलता है। बाकी दोनों जीकैम के साथ जो है कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को ऐड किया गया है, तो यहाँ पर व्यू फाइंडर बटन्स का जो ऑप्शन है यहाँ पर ऐड किया गया है। तो देख सकते हो अलग अलग ऑप्शन है, यहाँ पर मैनुअल फोकस स्लाइडर, ऑटो वाइड बैलेंस बटन, शटर स्पीड, LDR मोड, लिप पैचर एंड हाई रेजोल्यूशन फोटो, अपर्चर बटन, सैचुरेशन स्लाइडर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, एस्ट्रो टाइम स्लाइडर का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। तो इस तरह से जीकैम 8.4 एंड जीकैम 9.0 के साथ जो है इस तरह से चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ऑलमोस्ट सिमिलर ऑप्शन से अवेलेबल है एंड दोनों जीकैम का जो बिल्ड है उसको समीम करके डेवलपर की तरफ से देखने को मिलेगा, जीकैम 9.0 एंड जीकैम 8.4 का बिल्ड है। बाय द वे पिक्सल 8 प्रो डिवाइस जो है रिलीज होने वाला है एंड यहाँ पर जो है अक्टूबर 4 को रिलीज हो जाएगा एंड इसके साथ जो कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स अवेलेबल होने वाला है गूगल कैमरा के साथ एंड इसके बारे में हमने जो है अलग से वीडियो अपलोड किया है। जीकैम का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके आप चेकआउट करके देख सकते हो। तो यहाँ पर जो पिक्सल 8 प्रो रिलीज होने वाला है उसके साथ जो है गूगल कैमरे के साथ कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स अवेलेबल होगा, जैसे कि नाइट साइड मोड के साथ जो वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, प्लस यहाँ पर स्वैप फेस का जो ऑप्शन है ऐड होने वाला है जिसका नाम होने वाला है बेस्ट टेक करके। उसके बाद जो है पर कोई भी जब भी आप कोई भी वीडियो को रिकॉर्ड करोगे तो ये पर ऑटोमेटिकली AI के साथ जो है वीडियो के ऊपर कलर एडजस्ट हो जाएगा, प्लस यहाँ पर जो है जो ब्राइटनेस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स ऐड होने वाला है जीकैम का जो अपकमिंग अपडेट है उसके साथ एंड इसके बारे में हमने वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसे भी चेकआउट करके देखो। बाकी यहाँ पर जो गूगल कैमरा 8.4 हो जाए, जीकैम 9.0 हो जाए, दोनों के साथ जो ऑलमोस्ट सिमिलर ऑप्शन ही देखने को मिल जाएगा एंड अभी फिलहाल जीकैम 9.0 का जो बिल्ड है बीटा बिल्ड है, इसलिए सभी डिवाइस के ऊपर शायद काम ना करे, ब्लैक स्क्रीन भी शो कर सकता है, क्रैश भी कर सकता है, ये सबको ध्यान में रखना होगा। बाकी अगर आप चाहो तो दोनों जीकैम को ट्राई करके देख सकते हो आपके डिवाइस के ऊपर एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना,
चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। एंड गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है आप जरूर से चेकआउट करके देखना, वहां पर हमने जो काफी इंटरेस्टिंग जो अपकमिंग जीकेएम का जो अपडेट है उसके बारे में वीडियो को अपलोड किया है। चलो बाय बाय।